तो आज हम 1 किलो चिकन में ये महाराष्ट्रियन स्टाइल तर्रेदार रस्सा, चिकन सुक्का और आर्नी बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कुकर में थोड़ा सा तेल लेकर मैंने 1 कटी हुई इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज को हमें थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और ये साफ धोया हुआ जो चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर चिकन की क्वांटिटी 1 किलो है, तो यही 1 किलो चिकन से हम ये सारी चीजें बनाने वाले। चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। तो आपको जितना रस्सा बनाना है तो उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और ये कुकर का ढक्कन लगाकर हमें 3 विसल्स इसकी लेनी है। 3 सीटियां आ जाए उतना तक हमें पका लेना है। जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हम ये मसाले की तैयारी करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये कद्दूकस किया हुआ खोबरा लिया है, ये सूखा नारियल है, तो इसे मैंने कद्दूकस करके अच्छे से रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा तेल डालकर रोस्ट किया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 टमाटर कटा हुआ और 3 प्याज को मैंने स्लाइस करके अच्छे से तेल डालकर तवे के ऊपर भून लिया था। फिर थोड़ा हरा धनिया लिया है, फिर थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, कुछ लहसुन की कलियाँ ली है और गरम मसाले में मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और इन सारी चीजों को हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखो ये मसाला बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो यही बेस रहेगा चिकन रस्सा और चिकन सुक्का का। तब तक हमारी चिकन की 3 सीटियां भी आ गई और चिकन देखो अच्छे से पक चुका है। अब एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे और ये मसालों को अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और ऊपर इसके तेल आ जाए। मसाला हमारा एक तरफ भून रहा है तो यहाँ पर मैंने सूखे मसाले भी निकाल लिए थे। उसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी लिया है, धनिया पाउडर लिया है, चिकन मसाला लिया है यहाँ पर और थोड़ा सा मैंने लिया है गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें मैं इस मसाले में डाल दूंगी जो हम मसाला पका रहे हैं उसमें और अच्छे से मिक्स करके इसे और 1-2 मिनट के लिए भून लूंगी। देखो जब ये अच्छी तरह से तेल छोड़ने लग जाए तब हम समझ जाएंगे कि हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे और जितना हमें रस्सा चाहिए उस हिसाब से हम इसमें ये चिकन का बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, इसे अच्छे से स्टर कर देंगे और इसे 2-4 उबाल आने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम इसे गार्निश कर देंगे। देखो ये चिकन रस्सा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ज्यादा फ्लेवर इसमें आएगा। तो चिकन रस्सा बनाकर मैंने निकाल लिया और अब सेम कढ़ाई में थोड़ा और तेल लेकर मैंने 2-3 चम्मच मसाले के डाल दिए थे जो हमने पीस के रखा था, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। सारे सेम मसाले में इसमें ऐड कर दी हूँ, बस इसमें 1 एक्स्ट्रा मसाला जाएगा जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। तो मसालों को भी अच्छे से ये इसमें मिक्स कर देंगे हम। 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। जब ये तेल रिलीज कर देगा तो इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 करछी भर का जो चिकन का स्टॉक था वो इसमें हम डालेंगे और ये मसाले के साथ अच्छे से चिकन को कोट कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से करना है क्योंकि हमारा चिकन पहले से ही बॉईल है। और हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे मैं इसे रख रही हूँ 5 मिनट के आसपास ताकि जो मसाले है वो अच्छे से ये चिकन में कोट हो जाए और उसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो देखो हमारा ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। चलो इसे सर्व कर लेते। तो बीच में रखे है मैंने ये स्टीम राइस, फिर मैं कटोरी में सर्व कर रही हूँ ये चिकन रस्सा जो ग्रेवी है, ये सूखा चिकन निकाल रही हूँ और जो बॉईल किया हुआ चिकन उसका जो स्टॉक रहता है उसे आर्नी बोलते हैं, तो वो भी 1 कटोरी में दे दिया है। 2 रोटियां रख रही हूँ, थोड़ा सा प्याज रख रही हूँ और देखो ये हमारी चिकन थाली बनकर रेडी है। तो ये महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए कि नेक्स्ट क्यूजिन में कौन सा बनाओ।